बात का जवाब कि सांसद जी आएंगे, मंत्री जी आएंगे, भैया अपने आप को भी रख देते, तो सांसद कभी गांव तक पहुंच नहीं सकता। रोजाना मिलता भी हूँ, किसी का फोन गया होगा तो कॉल बैक भी करता हूँ। काम किसी के करना भगवान के लिए भी संभव नहीं। सबसे बड़ा बेवकूफ अगर इस मामले में अगर कोई है तो हमारा कहीं वो ऊपर वाला भगवान ही। कि बीजेपी के एक महेश शर्मा जी हैं जिन्होंने राम को बोला है कि वो बेवकूफ हैं, इसके बारे में क्या बोलेंगे वो बताएं। वैसे तो महेश जी अपने आप में सांसद हैं जी, लेकिन मैं तो धन्यवाद अदा करता हूँ जी कि जिसका सारा जमाना उनके पीर पैगंबर पीढ़ी दर पीढ़ी जिस राम की पूजा करते आए हो उसको सही मायने में सच्चे मायने में जो हकीकत है वो कह दिया कि राम, मतलब उन्होंने कहा है कि भाई हम आप लोग बेवकूफ नहीं है, ऊपर वाला बेवकूफ है। अब ऊपर तो उनकी परंपरा के हिसाब से कोई भगवान रहता है, अब भगवान के रूप में वो राम को देखते हैं, तो उन्होंने राम के लिए जो कहा कि वो बेवकूफ हैं जी। तो फिर तो भाई अगर वो सच्चाई मानने लगे हैं तो छोड़े उस बात को जी। वो धर्म की बात ना करें जी। उसको नेस्तनाबूध कर दें, अपने हाथों से ही कर दें जी। और आनंद आएगा जी। इसलिए वैसे तो देखिएगा, राम कोई भगवान है भगवान कुछ है नहीं जी। भगवान होते तो भगवान को तो अंतर्यामी शब्द भी कहा गया है। अगर मैं उनकी जिंदगी में जाऊं जैसा उसमें रामायण में लिखा हुआ है तो भाई वो तो आदमी जब उसकी बीवी, अरे भाई उससे राम से बड़ा झूठा कोई नहीं, वो तो बिल्कुल मोदी का भी बाप था सही माने में कह दूं। कैसे कि जब सुपरखा वहां आ गई पंचवटी पर और कोई उसकी मंशा कोई दूषित होगी उनके हिसाब से जी। तो जब वो राम के पास आई तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो शादीशुदा हूं, तुम लक्ष्मण के पास चले जाओ जी। तो क्या उन्होंने झूठ नहीं बोला? वो लक्ष्मण की घरवाली जो उर्मिला या निर्मला उर्मिला जी, उसको घर छोड़कर के आए हैं जी। तो फिर झूठ क्यों बोला? अरे वही से निपटा देते मामले को जी। कि भैया हम तो बहन बेटी वाले लोग हैं, हम तो यहां वन में रहते हैं, आप लोग अपना काम करो जाओ। तो इसका मतलब झूठे तो वो थे जी। और फिर जब मान लीजिए उन्होंने सुपर खा की नाक काट दी जी, तो भाई रावण को सारे लोग दोष देते हैं, मुझे बताओ रावण को क्यों दोष देते हो भाई? आज के कलयुग में भी जी, अगर किसी की बहन बेटी को कोई अपमानित करेगा जी, तो क्या वो चुप रहेगा जी? वो उसके प्रति कुछ नहीं बोलेगा, कोई उसके मन में इस तरह का भाव नहीं आएगा कि मैं जिसने अपमानित किया मेरी बहन बेटी को जी, उससे मैं बदला लूं जी। और वो उनकी सीता को ले गए तो ये कैसे अंतर्यामी थे, कैसे भगवान थे? पेड़ों में सर मार रहे हैं, तुमने मेरी सीता देखी है जी? पक्षियों से पूछ रहे हैं, खप पक्षी नगवे, तुमने मेरी सीता देखी है? अरे भाई तुम तो अंतर्यामी थे। और जो उनको मानने वाले लोग हैं वो ये कह देते हैं कि असली सीता तो अग्नि में प्रवेश कर गई थी, वो नकली की बात थी। अरे यार जब मैं ये जानता हूं कि नकली नोट जी, कोई ले गया, असली नोट मेरी जेब में है, तो फिर मैं क्यों चिंता करूं, क्यों मैं इतना पंगा बवाल खड़ा करूं? तो इसका मतलब बुद्धि विवेक से भी हीन थे जी, बुद्धि विहीन थे जी। इसलिए उन्होंने महेश शर्मा ने जी शायद ठीक ठीक कह दिया है। और महेश शर्मा को ये और दोबारा बोल बोल करके प्रचारित प्रसारित करना चाहिए। सुरेश जी एक बात बताइए, एक तरफ तो राम की बात करते हैं ये लोग कि मंदिर बनाना है, राम मंदिर कब बनेगा, 2000 काफी सालों से चलता हुआ आ रहा है मंदिर मस्जिद विवाद। उसके बाद राम को इस तरीके से गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये शर्मा जी का पता होगा। भाई इन्होंने गलत बोला कब नहीं है जी। अच्छा इनकी परंपरा है जी। मेरे विचार से जी राम की बात चली पड़ी है तो मैं आपसे एक राम का ही सवाल पूछ लेता हूँ। जिन्हें भगवान श्री राम कहा जाता है तो क्या वो इंसान है या भगवान है, इसके बारे में जरूर आप बताएं। मेरे विचार से तो ये काल्पनिक कहानी है जी, न वो इंसान नाम की चीज जी और न वो भगवान नाम की चीज जी। और यदि मैं कहीं चीजों को थोड़ा बहुत सच मानूं भी कि कहीं कुछ हुआ होगा, जैसे किताबों में तो लिखा है जी,
तो भाई ये केवल मात्र आदमी के रूप में हो सकते हैं जी। कैसे भगवान, ये कुछ नहीं जी। और जो मैं जिक्र कर रहा था कि भी हिंदू धर्म की मैं आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक परंपरा बता रहा हूं जो सबसे अजीब है इस देश में। इस देश में ईसाई कभी भी ईसा मसीह को या मरियम को जोर नहीं कहते हैं जी। इस देश में सिख धर्म के मानने वाले लोग जी अपने धर्म गुरुओं को कभी भी चोर नहीं कहते हैं जी। इस देश में इस्लाम मत के लोग कभी हजरत मोहम्मद साहब को या अल्लाह के विषय में कभी वो लोग चोर नहीं कहते हैं। लेकिन मैं क्या करूं, हमारे बौद्ध अनुयायी भी कभी भी तथागत के विषय में ऐसा नहीं कहते हैं, जैनी भी महावीर जैन के विषय में ऐसा नहीं कहते हैं। लेकिन ये लोग अपने जिनको ईष्ट मानते हैं, जिनको भगवान मानते हैं, उन्हीं को चोर कहते हैं जी। कैसे? ये नहीं कहते हैं माखन चोर। अबे मेरे शब्दों में तो चोर तो चोर, चाहे वो कपड़ा चोर, पैसा चोर, माखन चोर, चोर तो चोर, चोर की परिभाषा में आ गए। तो केवल मात्र एक ही ऐसा ये धर्म है जिस धर्म में लोग अपने भगवान को चोर कहते हैं, तो उन्होंने तो बेवकूफ कहा है बस। वो तो बहुत पीछे हैं अभी, उनको और अभी आगे जाना चाहिए।